थैंक यू सर, जय महाराष्ट्र। तो अभी है 19155 और मतलब किलोमीटर 910 किलोमीटर चला हुआ है। तो अभी शाम के 4:30 हुए हैं और मैं निकल रहा हूँ आगे जर्नी के लिए। सब सामान वगैरह पीछे है, मेरे साथ एक और भैया जा रहे हैं, उनको पिकअप करने जा रहा हूँ। अभी जस्ट अभी घर से निकला हूँ, अभी भाटागांव चौक में हूँ। तो अभी इस तरफ जा रहा हूँ नागपुर साइड, मतलब आगे जा रहा हूँ और आगे जाके बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। एकदम अनएक्सपेक्टेड था, सडन प्लान बना। बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अभी जर्नी अच्छा रहेगा, लंबा रहेगा। लगभग 1000 किलोमीटर की ड्राइव है, राइड तो नहीं है। एक्चुअली मैं बाइक से जाने वाला था बट साथ में और जा रहे हैं भैया लोग, इसलिए कार निकाल लिए। पिछले बार भी अनएक्सपेक्टेड हम लोग पूरी ट्रिप के लिए गए थे, तब वेस्ट साइड जा रहे हैं अचानक। ट्रिप विद चिंतामणि भैया, लॉन्ग ट्रिप सोलो करने का बहुत दिन से सोच रहे थे, मतलब डियो करने का। डियो लोग बाइक में सोचे थे बट कार से निकल रहे, क्या करें, बाइक से थोड़ा फैसिलिटी भी चाहिए अभी। इस बार कार से चलते हैं। और बोलू हेलो, नमस्ते चाचा, मजा आएगा। चलो बाय बाय। तो अभी निकले हुए हम लोग को जस्ट 15 मिनट ही हुए हैं और भिलाई वाले रास्ते में देखो अभी कुम्हारी के पहले मतलब कुम्हारी टोला का क्रॉस करने के बाद देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। आज पता नहीं क्या चीज़ की वजह से है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ पे निकलते निकलते पता नहीं कितना देर लगेगा। हम लोग तो ऐसे साइड से जा रहे हैं, आगे जाके पता चला कि रोक देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही है मज़ा, यही जर्नी का मज़ा है। वैसे काफ़ी खूबसूरत सनसेट हो रहा है आगे और सनसेट के साथ साथ कहीं पे हम लोग एक छोटा सा फ्यूल ब्रेक भी लेंगे और फ्यूलिंग कराएंगे। तो अभी पहुंच चुके हैं भिलाई और भिलाई में 1 साल हो गया एक्चुअली गाड़ी को, तो इसमें पॉल्यूशन चेक कराना ज़रूरी है। तो यहाँ 6 महीने का बनता है तो 6 महीने वाला करा रहे हैं। रास्ते में आप जाओगे ना तो उधर बहुत चेकिंग चलता है तो ज़रूरी है कराना। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी टैंक फुल करा रहे हैं भाई, क्योंकि रुके तो सोचा भरा ही लेते हैं। 3170 का। रात के 9 बज चुके हैं, 9:10:06 हो चुके हैं। हम लोग जस्ट पहले रुके हैं अभी भंडारा से 5-6 किलोमीटर और नागपुर यहाँ से 60-65 किलोमीटर पूछा है। yes. और बाहर बहुत ठंडी है भाई, कार में पता नहीं चल रहा था, जैकेट पहनना पड़ेगा। भाई तू सब किया लेकिन ब्लैंकेट नहीं लाया। अरे यार वो एक चीज भूल गए, ब्लैंकेट भूल गए। ब्लैंकेट लाया रहता मेरे को लास्ट तक वो याद था बट लास्ट मोमेंट पे एकदम भूल गया मैं। गाड़ी में जब सामान रख रहा था ना, हौच पौच हो गया था ना बहुत सारी चीजें, इसलिए कहीं ले लेंगे, डीमार्ट मिलेगा क्या पे देखते हो जो गरीबों को कंबल बांटते रहते हैं ना, मैं कार फुल करके पैदल जाके ले लूंगा। वैसी करना पड़ेगा, लग रहा कुछ मिलेगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ खाए? हाँ खा लेते हैं, रोटी वोटी हल्का फुल्का। चलो रोटी खा के फिर चाय पी लेंगे, नींद नहीं आएगा। दाल रोटी खाना क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए अपन दाल रोटी खा रहे हैं। ड्राइव भी करना है, भूख तो ऐसे लग ही नहीं रही है, बैठे बैठे कहाँ भूख लगती है। हाँ टेस्ट करते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा ओके गाइस, तो अभी हैं हम लोग पता नहीं कहां पर हैं क्योंकि, लेकिन अच्छा रोड था, जबरदस्त काफ़ी अच्छा रोड था। लगभग 25 रुपये का टोल नाका लगा था उसमें स्टार्टिंग में, और एग्जिट करते हो तो 240 रुपये लगता है। हम लोग एक्चुअली गूगल के चक्कर में मेन हाईवे से हट गए थे और ये हाईवे सीधा सीधा जाता है, तो अभी हम लोग एग्जिट मार देते तो वहाँ पे 5 मिनट रुकना पड़ता है क्योंकि तुरंत ही एग्जिट मारे और एंट्री कर रहे हैं तो 5 मिनट लगता है। कि गूगल के भरोसे हम लोग भटक गए थे, है ना भैया? गूगल अभी हम लोग को भटका दिया था भाई, घटिया वाले रोड से भेज रहा था जबकि ये रोड स्ट्रेट जाता है। मतलब गूगल मैप वाला रोड और ये हाईवे रोड अगल बगल ही है। हाँ। बट अपन हाईवे में पैसा दिए तो पैसा दे के जाएंगे ना। हाँ लेकिन काफ़ी अच्छा रोड है, जबरदस्त रोड, मतलब एक भी ऐसा कुछ आया नहीं हुचुक पुचुक वाला, मतलब मज़ा आ गया। अभी रात के 1:01 हो चुके हैं और अभी भी मुंबई कितना है, 600-650 कुछ होगा, 600-650। देखते हैं कितना खींच सकते हैं, अभी नींद तो आ नहीं रहा है क्योंकि हम लोग खाना वाना कम खाए थे तो
अच्छा है। और एक एक नंबर हाईवे यार, देखो कितना मस्त टोल नाका है, यहाँ गाय गरबा नहीं आता क्या? तो भाई एक जानकारी देना था, इस हाईवे में अगर आप चल रहे हैं तो आपको फ्यूल करा लेना है, फ्यूल अप करा लेना है, क्योंकि कितना लंबा है हम अभी कैलकुलेट नहीं किए हम लोग भी, लेकिन काफ़ी लंबा है और बीच में डिटूर लेना पड़ता है अगर पेट्रोल पंप आते हो तो। अभी ये दूसरा पेट्रोल पंप है जिसमें हम लोग आए हैं, ये खुला हुआ है क्योंकि रात को 1:45 हो चुके हैं तो ऑब्वियस है बंद रहता है, तो ये खुला हुआ है। यहाँ बंद वाला पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ पे मैं व्लॉग भी बनाया हूँ, तो हमारी इस जर्नी का डिटेल व्लॉग बनाना है ना, डिटेल व्लॉग देखना है तो चिंता मत कीजिए, पूरी चैनल पे देखिए, क्योंकि ये तो कार चला रहे हैं, चला रहा हूं तो कहीं कहीं पे ही कर रहे हैं ये। मैं अपने मतलब चैनल के लिए स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ एक तरह से, मेरे चैनल पे आपको डिटेल मस्त वाला व्लॉग दिख जाएगा, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन भाई। वो पेटीएम हो जाएगा ना, फुल कर दो यार, कन को बंद नहीं किए थे, ऐसे खुला ही हुआ था ये, अभी ये हम लोग बंद किए तो रुके थे, तो वो भी 400 किलोमीटर बाद। यहाँ फ्यूल रेट महाराष्ट्र में 106.89 है, अपने रायपुर में कितना था, 102.83 समथिंग कुछ है, 63। ठीक है, यहाँ पे 4-5 रुपये महंगा है, 4 रुपये महाराष्ट्र है भाई, यहाँ पे महंगा ही रहता है और एमपी में भी रहता है, सबसे महंगा एमपी में रहता है, एमपी में सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ, गुजरात और छत्तीसगढ़ में सेम है। तो इतने का पेट्रोल डल गया है, ढक्कन भी बंद हो गया है, अभी 75 रुपये फिर कटा, और अगर एग्जिट मारते हैं हाईवे से तब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो भाई अभी हम लोग जलना से 65 किलोमीटर समथिंग पहले कहीं कहीं रुके हैं, एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल का N95 भी मिलता है यहाँ पे, सुपर बाइक में जो जलता है ना पेट्रोल वाला, हाई एफिशिएंट वाला, और यहाँ पर इसलिए भी रुके क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा है, मतलब बना हुआ है ये और खाली जगह है, और यहाँ पे चाय की टपरी है, वाशरूम नया नया है क्योंकि एक पेट्रोल पंप भी नया बन रहा है। तो अभी 3:30 बज गए हैं सुबह के, तो अभी सोएंगे तो ठीक रहेगा, अगर ज़्यादा देर तक जगे फिर सुबह नहीं सो पाएंगे, अभी अंधेरे में सो जाते हैं, थोड़ा 2-3 घंटे का पावर नैप ले लेते हैं, फिर जैसे सुबह होगा फ्रेश होके निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 8 घंटे की ड्राइव और बची है, 450 किलोमीटर और बचा मुंबई, हम लोग एक्चुअली मुंबई जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे काम हैं इसलिए, और पहले पुणे जाएंगे, पुणे में थोड़ा रुकेंगे उसके बाद जाएंगे, क्योंकि भैया जो है वाशरूम गए हैं चिंतामणि भैया, वो किसी से मिलना है, उनको मीटिंग है वहाँ पे थोड़ा मीटिंग करके मुझे भी मिलना है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो अभी सोते हैं और मिलते हैं सुबह आपको, तो तब तक के लिए गुड नाइट, 1 सेकेंड बाद फिर से सुबह हो जाएगी, बाय बाय, व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बजे हैं, मस्त सनराइज हो रहा है, देखो लाल लाल दिख रहा है ना, एकदम लालिमा, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे सोए थे, इसको ऐसे पूरा फोल्ड कर दिए थे और इसको पूरा फोल्ड कर दिए थे, मतलब ऐसे इसके लेवल पे आगे पीछे करके, और ऐसे फ्लैट बेड जैसे बना के, एकदम फ्लैट तो नहीं हुआ था बट बेड जैसे बना के सोए थे। अभी यहाँ पे बाथरूम है, भैया गए हुए हैं, वो वहाँ पे फ्रेश व्रेश होंगे, मुँह धोएंगे, ब्रश करेंगे, नहाते बने को तो नहा भी लूँगा, मैं देखूँगा फिर चलेंगे आगे। हाईवे यहीं पर है सामने ही, तो यहीं से अपन पकड़ के निकल लेंगे आगे। गुड मॉर्निंग भैया, एकदम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, इधर से ज़्यादा गोरा दिख रहा है, इधर से अच्छे दिख रहा है। सो वी आर डन, डिजिटल स्टैंड डन, फ्रेश फ्रेश हो गए, आगे जाके कहीं ना आएंगे, और यहाँ से लगभग और वही 450 जाना है। मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ठंडी नहीं थी रात को, जिस तरह से ठंडी है, फिर भी बिना कंबल के थे, ब्लैंकेट नहीं था, मिस कर रहे थे, आज ले लेंगे कहीं पे। अभी औरंगाबाद कितना दूर है, 100 किलोमीटर नहीं, 120 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी की कंडीशन ऐसे सब ठीक ठाक है, एकदम चंगा है, मस्त, रात को कम्फर्टेबली सो गए थे, थोड़ा सा वो वाइपर से साफ कर देंगे, तिलक लगा हुआ है ऊपर का टीका, लॉन्ग राइड के लिए मम्मी हमेशा लगाती है, वो लगा के रखें। लेट्स गो, चलते हैं। हाँ, सोया हुआ क्या रहन, दो टाइम लगेगा।
बजे तीन घंटे का पावर नैप जरूरी था। 6:30 बजे तक हो गए थे औरंगाबाद से थोड़ा पहले रुके हुए हैं और यहाँ पे पुलिस वाले सर हैं, उनसे पूछे हम लोग रूट कौन सा। एक्चुअली इधर 250 किलोमीटर के लिए 6 घंटे लगा रहे हैं। अपने को क्या पुणे जाना था, दीदी से मिलना है, मतलब चिंतामणि भैया के उनकी बहन से मिलना है, इसलिए पुणे होते हुए नवी मुंबई पास पड़ता है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो पोहा खाने के लिए रुके हैं, पोहा बन रहा है। 9:42 हुए हैं। तो ये है भैया यहाँ का पोहा, मेरे ख्याल से तीखा होगा क्योंकि महाराष्ट्र में तीखा ज़्यादा खाते हैं। आपको भी इसी बात का डर लग रहा है कि तीखा ना हो। भैया तीखा है? पानी बोतल बहुत तीखा है, मैं लड़के को बोला भी था थोड़ा कम तीखा बनाना बोल के। इतना ही नॉर्मल है बोलते हैं यहाँ। तो यहाँ सारे सर लोग हैं, पुलिस ऑफिसर सर लोग, उनकी भी अर्टिगा है देखो अपनी एक्सेल से। वहाँ पे हम लोग पूछे कि एलोरा केव किधर जाना है और ज्योतिर्लिंग किधर है करके। इन ऑफिसर्स से मुलाकात हुई और बता रहे हैं कि यहाँ से एलोरा, अजंता एलोरा काफ़ी पास है। सर आपका क्या नाम है? प्रकाश मोहिते। प्रकाश जी बताइए क्या यहाँ से कितना? यहाँ से एलोरा 25 किलोमीटर पे। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, थैंक यू। जय महाराष्ट्र। तो सर लोग हैं, पूरी जानकारी दी हम लोगों को, बताया कैसे कैसे रूट में जाना है। अच्छा हुआ कि सर लोग मिल गए तो हम लोग थोड़ा प्लान भी चेंज कर दिए अपना, क्योंकि हड़बड़ी में जाने से कोई मतलब नहीं था। जगह को एक्सप्लोर करते हुए जाना इम्पोर्टेंट है। मीटिंग तो कल भी हो जाएगा। फ्रेंडली ऑफिसर? हाँ बहुत फ्रेंडली। महाराष्ट्र प्रवेश करने के बाद का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। देखो इनकी गाड़ी अर्टिगा है, अपनी XL6 है। यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी है, ये हाईवे में इन लोग सेवा देते हैं। ये एक लॉज लिए हम लोग, यहाँ थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहा लेते हैं, फिर आगे जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसा डिसेंट से रूम है, ये वॉशरूम वगैरह है वो ठीक है। फ्रेश होते हैं फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद दर्शन करने जाएंगे, भीड़ हो जाएगी ज़्यादा लेट करेंगे तो।